हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करें, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो जानने की कोशिश, राइट? सोच भी रहे कि नहीं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं रीडिंग, क्योंकि मुझे तो हमेशा मैसेजेस सोचते ही नज़र आ रहे हैं। अगर आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं है तो उनके दिमाग में भी आप कहीं ना कहीं है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो विद द पॉजिटिव नोट हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, रूम्स की रीडिंग, रूम्स सिंबल्स की रीडिंग करेंगे। पहला ही कार्ड पॉजिटिव, भी बोलिए नहीं सोच रहे क्या? ओके, क्या बात है। क्या खाया है आज? कांटे की टक्कर, जबरदस्त। आज की रीडिंग जबरदस्त है, ठीक है। अभी बॉटम डेक निकालेंगे, वो भी तोप निकलेगा ऐसा लग रहा है, लेट्स सी। तो ये है फेव बॉटम डेक। ओके, कार्ड रीड करने का, रूल्स रीड करने का, कैंडल वैक्स रीड करने का, टैरो कार्ड रीड करने का, हर चीज़, ओरेकल कार्ड रीड करने का, हर एक टैरो रीडर हो या कोई पर्सन है उसका अपना अपना एक स्टाइल हो सकता है, लहजा हो सकता है। कुछ मैसेजेस जो किसी को इसमें दिखते हैं, कुछ क्यों नहीं दिखे या कोई और मैसेज दिखे वो हो सकता है, पॉसिबल है। तो कोई भी चीज़ मेरी रीडिंग में या किसी और की भी रीडिंग में आपको पॉजिटिव निगेटिव जो लगती है वो अपने हिसाब से ना थोड़ा सोच समझ के एक्सेप्ट करना है आपको, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना पत्थर की लकीर नहीं है जो मिटाई नहीं जा सकती। टैरो इज़ अबाउट द एनर्जीज, ये जो भी है ना, ये जो रीडिंग्स हो रही है आपके लिए ये बेसिकली एक करंट एनर्जीज में बात करती है। आपकी आपकी एनर्जी जिस पर्सन से जुड़े हुए हैं उनकी एनर्जीज जानने की कोशिश है। तो एनर्जीज आप जानते हैं कि कल जो आप थे, अगर कल आप रो रहे थे, कल आज ज़रूरी नहीं कि आप रो ही रहे, हो सकता है कि आज आप हंस रहे, और हो सकता है कि आपका ये फेस कंटिन्यूसली चल रहा है, बिना वजह आप परेशान हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो काइंड ऑफ वही एनर्जी उनकी भी होती है, डे बाय डे कोई पॉजिटिव होता जाता है तो डे बाय डे कोई निगेटिव होता जाता है। तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है कि यहाँ पर निगेटिव नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो चीज़ ऐसा दिख रही है ना कि ये स्ट्रांगली ऐसा ना कि आपके साथ बिताए हुए पल हो या कोई मेमोरीज है बहुत ज़्यादा याद करे हैं। स्पेशली अभी ऐसा लग रहा है ना कि अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ वजह से ख़राब होने की वजह से, या फिर करियर में कुछ झटका है, या कोई थ्रेट मिला हो, देखना कि आपका देखना पड़ेगा ऐसे काइंड ऑफ वजह से, पता नहीं क्यों ऐसा एक थ्रेट की वजह से अपने लाइफ में ना थोड़ा एक सीरियसनेस आ गया, एक बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ गई है। खास करके वो लाइफ कनेक्शंस, अगर आपकी कनेक्शंस की बात करें तो वो भी उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है। एक अलग ही इमोशनल अटैचमेंट है, अलग ही इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ है आपके लिए कि मतलब ओवर इमोशनल है। मुझे लगता है ये फुल मून की एनर्जीज है, टिड पोर्टल की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और डीप डाउन करके गई है उनको, कि वो समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली अभी उनके लाइफ में इतने सारे डाउन टाइम हो या इतनी सारे एक फीलिंग्स हो, इतनी सारी, खास करके फुल मून की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही है, बहुत ज़्यादा आपके लिए ना क्रेव करने के लिए मजबूर करिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि भले आपसे बात नहीं हो पा रही है, कितने सारे झगड़े, कितने सारे मसले, कितनी सारी बातें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से मुझे जुड़ना है, इस पर्सन से बात करनी है, इस पर्सन के पास जैसे मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, इस पर्सन से मिलने के बाद पता नहीं कि मुझे सुकून मिले। मतलब प्यार है लेकिन अभी तक किसी प्रैक्टिकल रीज़न से अपने आप को जो रोके रखा था ना, अभी वो एनर्जी भी चली जा रही है। उनको ऐसा लग रहा है ना कि अभी उनको बहुत ही ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल या एक खिंचाव आपके लिए फील हो रहा है। ये आपके साथ
एक ना एक डेट पे जाना चाहते हैं किसी, मतलब स्पेशली ना वैकेशंस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील, लाइक ना आपके साथ कहीं घूमना हो, कहीं किसी मतलब दूर दराज, मतलब ऐसा लगता ना कि जैसे अभी इस सिचुएशन में प्रॉब्लम्स है, आपकी कमिटमेंट नहीं हो सकती, आपकी शादी नहीं हो सकती, वो तो उनको ऐसा लगता ना कि इमेजिनेशन हो या ड्रीम हो, कि डिज़ायर है कि आपको लेके बस कहीं उड़ जाए, जहाँ पे वो ज़िंदगी में ये परेशानी नहीं, सुकून नहीं, किसी का जवाब नहीं, किच नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आपकी जो बीच में जो दरारें हैं ना वो बहुत ज़्यादा गहरी है। तो उनको ऐसा लगता है कि ये सब क्यों है, क्यों है, मतलब हमारा इतना खूबसूरत रिश्ता ये सब चीज़ की वजह से ख़राब हो गया या नहीं हो पा रहा है। उनको उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि उस पर्सन के बिना मेरी लाइफ में ना कुछ अधूरी सी फील होती है, हमारी अधूरी सी कहानी काइंड ऑफ मुझे सॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रहा है, चैनल हो रहा है। तो वो चाहते ना कि अपने करियर पे, अपने पैसों पे फोकस करें, अपनी लाइफ पे फोकस करें, सो दैट कि ना वो जो खुशियाँ आपके लिए सोची है ना, जो भी ट्रैवल प्लान्स हो, जो आपके साथ बिताए पल हो, वो सब चीज़ें ना वो एक रिस्टोर करना चाहते हैं, उसे जीना चाहते हैं। अगर कुछ सपने देखे हैं वो उसे पूरा करना चाहते हैं, आपको आपकी कोई डिज़ायर्स है वो पूरा करना चाहते हैं, तो वो एनर्जी फील हो रहा है। मतलब बेसिकली उनको ऐसा लगता है ना कि आपकी खुशी और उनकी खुशी एक ही है, मतलब आपकी सोच आपकी भले मिलती ना हो, बट एक डिज़ायर सपने वो सब तो एक ही है ना, कि एक दूसरे को खुश देखना है, एक दूसरे के साथ रहना है। तो वो चीज़ों के बारे में वो सोचते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इमोशनल बहुत होते हैं कि भाई किया क्या जा सकता है, बहुत कभी कभी ना जब होता नहीं है तो चिड़चिड़ा होती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं, देयर इज़ अ होप, कुछ तो करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसे बैठे नहीं रह सकते। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि किसी की मदद ली जा रही है, हो सकता है कि रीडिंग करवा रहे हो या फिर किसी दोस्त से, कहीं सीनियर से, कहीं से तो मदद मांगी जा रही है, जहाँ पे ना एक डिस्कशन हो कि क्या पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा, क्योंकि आपके बीच में जो डिफरेंसेस है ना काफ़ी ज़्यादा, लाइक ना रिलीजन का डिफरेंस हो, कास्ट कल्चर डिफरेंस हो, फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस हो, और सबसे बड़ा चीज़ कि दोनों में से एक कोई तो मैरिड है या फिर दोनों मैरिड है, ऐसा काइंड ऑफ सिचुएशन है, तो सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो बहुत ज़्यादा ना इन मतलब चीज़ें ऐसे लग कि बहुत सारी चीज़ें ना उलझा के रखा है या उलझी हुई है, इसकी वजह से इनका डिज़ायर तो है, इच्छा तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन हो नहीं पा रहा है उनको, मतलब काफ़ी हद तक है ना ये मुझे वेटिंग एनर्जी में नज़र आ रहा है, एक थ्री ऑफ वंड्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, कि जहाँ पे ना कि कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है क्या, क्या कुछ हो सकता है क्या, कहीं हम और जाके बच सकते हैं क्या, कुछ इस सिचुएशन से निकलना पॉसिबल है क्या। ये अपनी जिम्मेदारी के रहते, मतलब कि चलो ठीक है कि ये जो रायता फैला है पहले उसे समेट लेते हैं, उसे उसके बाद ये करना, और ख़ास करके ऐसा लग रहा ना कुछ जगह पे वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी, उनके पेरेंट्स हो या कोई है, तो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, या आपको कॉन्फ्रंट कर सकता है, या आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा सकता है, उस चीज़ से ना आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए ना ज़्यादा एक प्रोटेक्टिव चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक ना अचानक से आपको सामने आना वगैरह ऐसे नहीं, मतलब सोच समझ के आना, क्योंकि आपके रिश्ते को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि बस अभी हो गया, लेकिन आपको और आपके रिश्ते को आपको प्रोटेक्ट करना है उनको अभी, मतलब जो साथ उन्होंने दिया नहीं था वो सब चीज़ें अभी उनको खुद संभालनी है, कि भाई अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, दुनिया तो ऐसे ही चलेगी, दुनिया तो अपने बारे में सोचेगी, लेकिन मुझे अपने बारे में सोचना है, हमें अपने रिश्ते के बारे में सोचना है, अपने सोल हैप्पीनेस के बारे में सोचना है। और सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या मालूम है कि इनको अभी आपके लिए ना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है। ऑफकोर्स अभी कल 17 अगस्त से चीज़ें कितनी ड्रास्टिकली चेंज होगी आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन सी मिराकल तभी होते हैं जब आप बिलीव करते हैं, बिलीव इन द मैजिक वाली चीज़ होती ना वो मुझे दिख रही है, कि अगर आपने विश्वास ही नहीं करना है तो फिर लेट इट बी, छोड़ दीजिए ये सब चीज़ें, क्योंकि कैसे ना इसे निगेटिवली नहीं बोल रही हूँ मैं, पॉजिटिवली बोल रही हूँ, क्योंकि जब विश्वास होता है तभी सब चीज़ें होती हैं, अदरवाइज मतलब मान लीजिए कि आपको आपके ऊपर कोई अगर बोले कि मुझे आप पे विश्वास नहीं है, तो आपको कैसे लगेगा कि नहीं है, तो फिर भाई आप यू कैन गो अहेड, जिस पे विश्वास है आप करो, जहाँ पे जाना है जा सकते हो, लेकिन आपके ऊपर विश्वास ही नहीं है तो फिर मतलब ही नहीं है, कोई चीज़ का मतलब ही नहीं है वाली फीलिंग है ना। तो वही चीज़ यूनिवर्स कहना चाहती है कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन मैजिक, मिराकल्स होते हैं, और मिराकल ऐसे नहीं होते,
इसके पीछे आपकी मेहनत है, आपने इतना सहा है, आपने रोया है, तकलीफ सही है, सब कुछ है, मैनिफेस्ट किया है, इनडायरेक्टली सही मांगा है, दुआओं में मांगा है, मन्नतें मांगी है इस पर्सन के लिए, तो ऑब्वियसली यूनिवर्स का कहीं ना कहीं काम बनता है। बस आपकी एनर्जी चेंज होने के लिए यूनिवर्स वेट कर रहा है, कुछ डिवाइन टाइम के लिए कुछ डिसीजन उनको भी लाइक ना कुछ अपने कर्मास क्लियर करने हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस क्लियर करने हैं, क्योंकि आधे अधूरे अगर वो छोड़ के आएंगे वही चीज़ें आपके साथ रिपीट होंगी। ये बेसिक यूनिवर्स का कहना है कि वापस आपको वही चीज़ में दर्द में कैसे डालें, अगर आप हील ही नहीं है तो चीज़ें रिपीट होती है ना, तो वो एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो इसलिए यूनिवर्स डिवाइन टाइम का इंतज़ार करी है, क्योंकि आपके लिए वो डिवाइन टाइम कब आएगा, जब आप हील होंगे, वो हील होंगे, वो अपने कर्म क्लियर करेंगे, सुधारेंगे, जो भी है। मान लीजिए कि ईगो है, स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे, हिम्मत नहीं दिखा रहे, तो वो भी दिखाना ज़रूरी है ना, उनको वो करना ज़रूरी है, इस रिश्ते के लिए जो मेहनत करना है, स्टैंड लेना है, हर चीज़ वो करना ज़रूरी है, वो करेंगे तब जाके चीज़ें बदलेगी। तो मुझे फ़िलहाल दिख रहा है कि किसी से मदद मांग रहे हैं, और मुझे लगता है किसी के थ्रू या किसी की मदद के थ्रू ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, मतलब आपके बारे में सब जानने की कोशिश में है, इनडायरेक्टली सही, मतलब दूर से आपकी डीपीज देखना, स्टेटस देखना, या पॉसिबली आपको दूर से देखना, या फिर आंखें बंद करके ही आपको देखना, इमेजिन करना, ये बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है, ख़ास करके आपके साथ एक फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करें, चाहते हैं, डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपकी उनकी एक खूबसूरत फैमिली हो, आगे बहुत ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ये फील करता है, और ख़ास करके आपके साथ जो पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो पता नहीं कि ऐसा लग रहा है कि उनको कहीं ड्रीम्स आ रहे हैं, कहीं कुछ रीडिंग करवाते वक्त, या कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, या आपके साथ उनका जो एक सोल कनेक्शन है उसके बारे में किसी ने बताया हो, या एंजल्स गाइड कर रही हो, उसकी वजह से उनका अभी ना एक डिसीजन है ना, वो धीरे धीरे से स्ट्रांग बनते जा रहा है, क्योंकि वही कनेक्शन, वो स्ट्रांग फीलिंग, एक पुल आपकी तरफ वो महसूस कर सकते हैं। तो फाइनली क्या है कि यूनिवर्स तो आपके लिए खुशियाँ ला के दे रही है, मतलब ये जो ग्रोथ है, ये प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में वो आकर ही रहेगी। तो यूनियन और रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राइडो जो ये है रीयूनियन को भी दर्शाता है, सक्सेस है आपके लाइफ में, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और देन ये जो भी रूल्स आए हैं ना, तो डेफिनेटली ये रीयूनियन या मिलने की तरफ, कमिटमेंट की तरफ, आगे ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा है, सक्सेस, खुशियाँ, हैप्पीनेस वो मिलने के हैं। बट आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, आपको मैनिफेस्टेशन करने हैं, आपको मेडिटेशंस करने हैं, आपको हीलिंग प्रोसेस से गुजरना है। देखते हैं यहाँ से क्या होता है। बेस चक्र वन नंबर है, बेस चक्र, सी मैंने क्या कहा, स्पिरिचुअल यूनियन, टू नंबर, वन आया है, टू आया है, उनके लेटर, उनका जो इनिशियल्स है वो एम हो सकते हैं, आर हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, टी हो सकते हैं, ओ हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, और पी की एनर्जी भी ज़्यादा है, तो ट्रिपल टू एंजल नंबर आपको काफ़ी बार दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है, और काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल रीयूनियन की यूनियन की इच्छा दर्शाता है। ये लिटरली आपको एक इमोशनल कनेक्ट फील करवाते हैं, और वो उसकी तरफ आना चाहते हैं। टू नंबर, वन नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इंट्यूशन, यस, आपको ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइड किया जा रहा है कि आप, आपके लाइफ में क्या होने वाला है। मुझे लगता है ना, पॉजिटिव थिंकिंग ले, जो लोग काफ़ी अरसे से ये ट्रिपल टू एंजल नंबर दिख रहे हैं, ये जो इंट्यूशंस की सुन रहे हैं, या टैरो रीडिंग के थ्रू अपनी इंट्यूशंस को मैच करने की कोशिश करें, उनके लाइफ में तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक डिवाइन टाइम है, चलो अभी नहीं सही, बट डिवाइन टाइम मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। एट ऑफ वैंड्स, एक्सेलरेटेड मोशन, बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी, कुछ लोगों के केसेस में ये 8 डेज के अंदर हो सकता है। कार्ड उल्टे के, अरे लास्ट कार्ड विजडम,
ओके सक्सेस है, 7 नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है कि यस. सी यहाँ पे भी मतलब एक विक्ट्री सक्सेस यहाँ पे अगेन जल्द से जल्द खुशियाँ, जैसे ना एक आप मांग रहे थे जो दुआएं हैं वो कबूल होने वाली है एंड यहाँ पे तो कंफर्म हो गया है भाई स्पिरिचुअल यूनियन. और क्या देखते हैं लवर्स ओरेकल्स क्या कहना चाहेंगे. फोर कार्ड्स एबेंडेंस. सो यहाँ पे भी एबेंडेंस है, यहाँ पे भी है. ओह माय गॉड. और ये जो फेस चल रही है ना उनकी सी लाइफ पर्पस, कहीं ना कहीं उनको एक होता है ना एक सोल कनेक्शन फील होना कि इस बंदे से या बंदी से मेरा एक कुछ रिश्ता जुड़ा है, कुछ मतलब है, कुछ तो बनना है, कुछ तो जुड़ना है. ये फीलिंग उनको बहुत ज़्यादा है. फिलहाल ये कंडीशन है लेकिन ये कंडीशन इम्प्रूव हो रही है और ये बेहद ज़्यादा आपके लिए फिज़िकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं. और जैसे मैंने कहा कि इनका बहुत ही जल्द आना होगा आपकी तरफ. रेडी, दे आर गेटिंग रेडी कि आपके लिए जो करना है वो करना चाहते हैं. एंड और क्या कहूँ, बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स ने एकदम क्लियरली कही है. तो ये थी रीडिंग एंड क्लेमिंग रीयूनियन एंड यूनियन फॉर एवरीबडी. प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ थैंक यू यूनिवर्स. तो ये थी रीडिंग. आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.